हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे और मैं आपका होस्ट दोस्त और साथ ही राहुल फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं हमारी फैमिली? तो आज का सेशन स्टार्ट करें क्या? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। और कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, और आज उसके हम आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ उसी टाइप्स के, ताकि बेस जब क्लियर हो जाएगा आपको तब आपको आगे पढ़ाने में मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार फिर से आपसे अपील, वही इल्तिजा कि अरे भैया सब्सक्राइब कर लो यार, है ना? सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमें भी आप प्रोत्साहन दें, ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके हम हाजिर हो सकें, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन का। और आज भी 3 से 4 क्वेश्चन हम लेके आपके लिए आए हैं, ताकि छोटा सेशन रहे और आपको मज़ा भी आए, ठीक है? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है वो वैसे ही मैं कीवर्ड्स ही लिखूँगा दोस्तों, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है कि भैया विवेक और अशोक, ठीक है, दो लोग हैं जो एक निश्चित बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। कौन है? विवेक हैं और अशोक हैं। चलिए अब देखिए, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट करते हैं। विवेक किधर चलते हैं? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक। और फिर दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ के कितना चलते हैं? 4 किलोमीटर, ठीक। अब अशोक भाई साहब ये किधर चल रहे हैं? ये चल रहे हैं पश्चिम की ओर। ये किधर चल रहे हैं? पश्चिम दिशा की ओर। और 5 किलोमीटर चलकर ये किधर मुड़ रहे हैं? दाएं मुड़ते हैं। वो बाएं मुड़ते हैं, ये दाएं मुड़ते हैं, ठीक। और 5 किलोमीटर चलते हैं, और 5 किलोमीटर चलते हैं। अब इन दोनों में क्या पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी बताएं, ठीक है? क्या पूछ रहा है इनके बीच की दूरी? आपको ऑप्शन दे दिया है, 10 km, बी 9 km, सी 8 km एंड डी इज 6 किलोमीटर, ठीक। ये आपको दोस्तों क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि दो दोस्त हैं विवेक और अशोक, जो एक जगह से ही स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है? मान लीजिए ये वो जगह है जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए अब विवेक किधर चलते हैं? उत्तर की ओर चले, कितना चले? 3 किलोमीटर। और फिर किधर मुड़ गए? उत्तर की ओर चल के दाएं मुड़ गए। चलिए दाएं मुड़ गए, कितना चले? 4 किलोमीटर, ठीक है? चलिए अब बात आती है किसकी? अब बात आती है अशोक जी की। अशोक जी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। ये 5 किलोमीटर चले, ठीक, और दाएं मुड़ते हैं। अब पश्चिम की ओर जैसे मैं इधर मुंह किया हूं, तो ये पश्चिम दिशा है, तो मेरा दायां किधर रहेगा? इधर रहेगा, यानी कि ऊपर साइड। तो हम ऊपर कितना चलेंगे? दाएं मुड़ते ही 3 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर ये चल दिए, ठीक। कितना चल दिए? 3 किलोमीटर, ठीक है? चलिए अब ये 3 किलोमीटर जब चल दिए, अब यहाँ पे अशोक जी हैं और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे विवेक हैं, ठीक है? अब क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो दूरी है, यहाँ पे कौन है? ये हैं अशोक और ये हैं विवेक, ठीक। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी दोस्तों कितनी है? 5 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर।
तो जब हमें पता चल गया 5 + 4 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 9 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देख एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि विवेक और अशोक दो दोस्त थे, ठीक, जो एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं चलना। विवेक उत्तर की ओर मुँह किए हैं जबकि अशोक पश्चिम की ओर मुँह किए हैं, और विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलते हैं, ठीक, और अशोक जी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं और फिर दाएं मुड़ के वो 3 किलोमीटर चलते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर, यानी कि जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, 9 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। चलिए चलिए अब इसको साफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधिका जी कौन है, राधिका जी हैं, ठीक है। चलिए राधिका जी अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई, किधर गई, साउथ, कितना 50 मीटर, फिर बाएं मुड़ी और 20 मीटर गई, पुनः उत्तर की ओर 30 मीटर गई, पुनः उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर कितना गई, 30 मीटर गई। अब उनका घर, अब क्या पूछ रहा है, अब उनका घर इस स्थान से कितनी दूरी पे है, इस स्थान से किस दिशा में है। चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है और चलिए अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि राधिका जी साउथ की ओर 50 मीटर चली, तो ये रही राधिका जी साउथ की ओर 50 मीटर चली, चलिए चल दी, फिर बाएं मुड़ी, यानी कि दोस्तों देखें ये अगर राइट, ये साउथ है दोस्तों, तो लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, तो लेफ्ट चलना है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाएं मुड़ी है, तो ये बाएं मुड़ गई 20 मीटर। चलिए अब 20 मीटर जब बाएं मुड़ गई, फिर पुनः उत्तर की ओर कितनी गई, 30 मीटर, किधर, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा किधर हो गई, ये हो गई, यहाँ पे गई 30 मीटर, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि जाओ अब उनका जो घर है वो इस स्थान से किस दिशा में है, यानी कि यहाँ से ये घर किस दिशा में है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है और आपके ऑप्शन भी दे दिया है, क्या उत्तर बी, उत्तर पश्चिम, सी पूर्व या डी दक्षिण पूर्व। चलिए ये आपके चार ऑप्शन भी दे दिया है। अब देखिए हमें जो निकालना है वो इधर से निकालना है, यहाँ से दोस्तों बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें इधर से इधर जाना है, ठीक, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये दोस्तों हमारा जो वो होता है डायरेक्शन का वो ये होता है, ठीक, हम किस दिशा में चल रहे हैं, ऐसे डायगोनली चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा हो जाती है दोस्तों, ये हो जाती है उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा हो जाती है, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाती है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। अब यही अगर ये पूछ लेता
कि घर से वो स्थान यानी कि घर से अंतिम जो स्थान है वो किस दिशा में है, तो हमें इधर से जाना पड़ता, और जब इधर से जाना पड़ता तो हमें ये जाना पड़ता, तब आंसर क्या होता, साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके स्क्रीन शॉट आप ले लें, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश हैं, वो क्या करते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं कितना, 6 किलोमीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़ते हैं और चलते हैं कितना, 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ते हैं और चलते हैं कितना, 6 किलोमीटर। तो प्रकाश आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से दूरी पूछ रही है दोस्तों, और आपको ऑप्शन भी दे दिया है, 4, 10, 6 और 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन दे दिया है क्या कि भैया राकेश जी हैं वो उत्तर दिशा की ओर चलते हैं 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ते हैं चलते हैं 4 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ते हैं और चलते हैं 6 किलोमीटर। ठीक, अब उनकी आरंभिक बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो चलिए भैया हम इनको, ये हैं कौन, राकेश जी, ये चले उत्तर की ओर, कितना चले, पहले चले 6 किलोमीटर। चलिए ये हो गए 6 किलोमीटर। चलिए अब मुड़े बाएं, चले कितना, 4 किलोमीटर। अब चले 4 किलोमीटर। चलिए फिर मुड़े बाएं और चले 6 किलोमीटर। ठीक, अब ये यहां पहुंच गए, तो यहां से यहां के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी हमें निकालनी है, तो ऊपर की दूरी तो पता ही है दोस्तों, तो बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। ये जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं ये बहुत इजी होते हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम लो लेवल लेके चल रहे हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे आपको बस फैक्ट देखना होता है, अगर आपने फैक्ट को ठीक से देख लिया तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसमें बाएं दाएं केवल करता है, क्यों, वो आपको फंसाना चाहता है। लेकिन अगर आप क्लियर हैं कॉन्सेप्ट में, अगर आपको पता है एड्रेस कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको कोई कितना भी घुमाए रात के 12 बजे भी, तब भी आप घर पे पहुँच ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रचल कौन है, रचल है, आंद्रे रसल नहीं है दोस्तों, रचल है। ठीक है, रचल, ठीक, रचल उत्तर दिशा की ओर चलती हैं, किधर चलती हैं, उत्तर दिशा में, चलिए चल दी। अब क्या कहती हैं, 15 मीटर जाने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ती हैं, उत्तर दिशा में 15 मीटर चलती हैं, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती हैं, ठीक है,
और 20 मीटर चलती हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, और 10 मीटर चलती हैं। फिर पुनः वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती हैं। उत्तर की ओर 5 मीटर चलती हैं। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्या है कि रचल जी हैं वो उत्तर दिशा में 15 मीटर जाती हैं, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और 20 मीटर चलती हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती हैं, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती हैं और 10 मीटर जाती हैं। फिर पुनः वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती हैं। ठीक, तो अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे और किस दिशा में है। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं हम। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। चलिए, रचल जी यहाँ पे मान लीजिए खड़ी हैं। पहले किधर गई? उत्तर दिशा में 15 मीटर गई। चलिए, ये गई 15 मीटर। चलिए, अब देखिए दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और 20 मीटर चलती हैं। ये यहाँ पे पहुँच गई जब, ठीक है, तब अब दक्षिण की ओर गई कितना, 20 मीटर, यानी कि यहाँ तक गई। तो ये दूरी टोटल कितनी हुई, 20 मीटर दक्षिण की ओर गई। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गई हैं, अब पहुँच गई हैं यहाँ पे, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती हैं और 10 मीटर चलती हैं। ठीक है, चलिए फिर वह उत्तर की ओर चली और 10 मीटर चली, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक आ गई। ठीक, कितनी, 10 मीटर दूरी ये हो गई। ठीक, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर आई हैं। ठीक है ना, अब वो पुनः उत्तर की ओर 5 मीटर चलती हैं, यानी कि यहाँ से फिर चली यहाँ तक के लिए, यानी कि यहाँ के लिए, यहाँ पे आ गई 5 मीटर चली, तो यानी कि यहाँ पे 5 मीटर चली और यहाँ पे 10 मीटर चली। ठीक, अब चलिए, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अब बताइए कि वो आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थान ये था दोस्तों। ठीक, अब वो कहाँ है, 5 मीटर ऊपर है। ठीक, और किस दिशा में है, 5 मीटर उत्तर दिशा में, किधर, उत्तर दिशा में। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए क्या कहा कि पहले पश्चिम, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये 15 मीटर पहले ऊपर गई, ठीक, उत्तर दिशा की ओर। ठीक, और फिर 20 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 20 मीटर, इसमें कहाँ गई, दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ पहुँच गई। ठीक, अब वो गई 10 मीटर ऊपर, यानी कि फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गई, और फिर वहाँ से उत्तर की ओर 5 मीटर, यानी कि ये दूरी जो हुई वो 5 मीटर हुई, और किस दिशा में हैं, उनका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
5 मीटर उत्तर दिशा की ओर। तो दोस्तों ये था आज आपका सेशन, और जो कल हम पढ़ेंगे इसके आगे वो पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, जो परछाई पे आधारित होते हैं वो पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप कल जरूर जुड़िएगा, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जोरदार पढ़ाई होती रहनी चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं तो आप हैं, और आप हैं तो हम हैं, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करते रहिए, और धमाल मचाते रहिए। थैंक यू सो मच।